मिक्सन ग्रुप की धोखाधड़ी के विरोध में किसान एकता संघ के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठ गए हैं। सुने वनीश प्रधान जी की जुबानी के उनके साथ क्या हुआ। भाई मैंने एक विला बुक कराया था, एक हमारे यहाँ के विनीत नागर है उन्होंने बुक कराया था, तो मुझसे जब विला बुक कराया गया तो मुझसे 10% इन्होंने पैसे मांगे थे, मैंने 10% इनको दे दिया चेक के माध्यम से। कहा कि जी आप अपने पेपर दे दो लोन हो जाएगा, मैंने इनको पेपर सारे सबमिट कर दिए। एक महीना वेट करा मैंने, मैंने पूछा भाई लोन का क्या हुआ, इन्होंने कहा कि बैंक का कोई अप्रूवल है वो हो रहा है उसके बाद हो जाएगा। फिर सेकंड किस्त आ गई, तब तक सेकंड किस्त आई मैंने फिर इनको टाइम से पैसे दे दिया, 5 लाख की एक किस्त और दे दी मैंने। 5 लाख देने के बाद इन्होंने फिर सेम प्रोसीजर चलता रहा, कुछ दिन बाद 2 महीने बाद फिर इन्होंने एक किस्त मांगी, मैंने फिर एक किस्त दे दी, ऐसे करते करते करीब मैंने इनको 25 लाख रुपए दे दिए। 25 लाख रुपए देने के बाद मार्च में इन्होंने मेरे से सारे पेपर ले लिए कि बैंक के सारे काम कंप्लीट हो गए, अब आपका लोन कंप्लीट है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने मार्च में, जैसे मुझे अब आके पता चला, पहले मुझे नहीं पता था, इन्होंने वो मार्च में ही कैंसिल करके किसी और के नाम अलॉट कर दिया। मार्च के बाद मुझसे फिर इन्होंने पैसे के लिए बोला, मैंने मार्च में पैसे दिए इन्हें 5 लाख रुपए, और फिर मैंने 3 मई को इनको फिर पैसे दिए, जबकि ये मेरे विला को पहले किसी पैसे दे दिए। टोटल मैंने करीब 30 लाख रुपए का एक 5 लाख का चेक है जिसको ये बताने की अभी आया नहीं अकाउंट में या कहा है मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन 25 लाख रुपए मैं इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। उसके बाद जब मुझे आप पता चली है कि इन्होंने वो विला किसी और को बेच दिया है, मैं पिछले एक हफ्ते से इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। 10 दिन पहले हमने किसान एकता संघ जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से हम लोग ज्ञापन भी देने आए। ज्ञापन देने के बाद हमने इन्हें 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन तक इनसे हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। किसी एक बंदे का फ़ोन आया जो आपको अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के बाहर हूँ आपसे बात करूँगा। मैंने कहा जी आप एक काम करिए, मुझे मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे आप जो लिख देंगे मैं मान लूँगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल हम लोग उनके पास गए, उनसे फिर फ़ोन करा, मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन दूसरी तीसरी बार में उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि मैं तो इंडिया के बाहर हूँ। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपसे मेरा एक विला है उसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाह रहा था। इन्होंने बोला कि जी अब मेरे पास कोई इसका वो नहीं है, आपसे जो हो वो कर लो। उसके लिए फिर मैंने अपने जो पूरे संगठन की टीम है उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखाधड़ी हो गई है। सारे संगठन के लोग आए और आज आपके सामने बैठे हैं, और सारे इस संगठन के लोगों का कहना यही है कि जब तक ये हमारा मामला सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं।